हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लेट्स स्टार्ट टूडेज ऑर क्लास एंड यू नो बेटा वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास आनंदीज रैनबो हमने प्रीवियस क्लास में आनंदीज रेनबो जो हमारा चैप्टर था इसे वर्कबुक में फिलअप किया था राइट right? इसमें क्या किया था हमने इन वर्ड्स को रेड किया था एंड इनकी मीनिंग फाइंड की थी देन राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स ये भी हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया है ओके okay? तो आपने ये फिलअप कर लिया है सभी ने पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट हमारा कंप्लीट हो चुका है ओके देन आफ्टर आपको पेज टर्न करना था एंड पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन ओपन करना था राइट एंड इन पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन हमने लेट्स टॉक तक कंप्लीट किया था राइट right? जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था हैव यू शीन अ रेनबो क्या आपने रेनबो देखा है वैन आपने कब देखा है इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना था देन आफ्टर था हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं कैन यू नेम देम क्या आप उनका नेम बता सकते हैं तो यस देयर आर सेवन कलर्स इन अ रेनबो रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड राइट ओके बेटा तो हमारा प्रीवियस क्लास में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है राइट right? इसके बाद हम नेक्स्ट ओपन करेंगे तो आप सभी पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन ओपन कर लीजिए एट द सैंपल पिक्चर एंड कलर द रेनबो आपको इस सैंपल पिक्चर को देख कर रेनबो को कलर करना है ओके okay. इस सैम्पल पिक्चर को देख के रेनबो को कलर करना है तो यू नो वेरी वेल रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं पता है ना आप सभी को ये जो टू है ये क्या है ये जो टू दी है ये क्लाउड्स है ये टू क्या है क्लाउड्स है एंड दिस इज अ रेनबो और ये जो है रेनबो है ओके तो अब जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है इस टाइप से आपको कलर करना है तो कलर कैसे करेंगे आप एट फर्स्ट टू क्लाउड्स के कलर करेंगे या क्लाउड्स में कैसा कलर है ग्रे टाइप कलर है ना तो आप यहाँ पर ग्रे कलर कर देंगे क्लाउड्स में टू क्लाउड्स है क्रियोन कलर है आप सभी के पास तो बेटा आप दोनों ही काइट को ग्रे कलर से कलर कर देंगे ओके okay. आप सभी को रेनबो के कलर्स पता है तो जो रेनबो के कलर्स होते हैं वॉयलेट एंडिगो तो जो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नीचे से तो एट फर्स्ट तो आपको करना है वॉयलेट वॉयलेट देन एंडिगो देन ब्लू थर्ड नंबर में ब्लू देन ग्रीन देन येलो देन यहाँ करना है आपको ऑरेंज एंड फिर यहाँ रेड मेरे पास जितने कलर्स थे मैंने ओनली वही किया है ओके okay, तो इस टाइप से आप जैसे यहाँ पर दिया है फर्स्ट वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड इन कलर्स से आपको इस रेनबो को कलर करना है ओके देन नेक्स्ट पेज ओपन करना है हमें पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी ओपन इट फास्ट एंड इन दिस पेज लुक लिसन एंड रिपीट देखो सुनो और दोहराओ ओके इन वर्ड्स को देखना है सुनना है और बोलना भी है आफ्टर मी आपको इन वर्ड्स को बोलना है ओके okay, बेटा मेरे बाद फेश से फेश फील फाइंड फूड फन ये कैसे वर्ड है एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड मीन्स एफ साउंड वर्ड फेस फील फाइंड फूड फन ओके देन बॉल से बॉल बी बिल बोट बन बन ये बी से स्टार्ट होने वाले बर्ड है ओके देन गेट गेट गिफ्ट होती है जो बड़ा वाला होता है ना अपना दरवाजा जो हमारे बाउंड्री वॉल में हम लगाते हैं है ना अपने यार्ड में वो होता है गेट यानी जो बड़ा वाला दरवाजा लोहे का हम लगाते हैं है ना और ये गेट मीन होता है पाना कोई भी चीज जो हम हमें मिलती है ना उसे बोलते हैं गेट गिफ्ट मीन्स यू नो गिफ्ट जो होते हैं गोट मीन्स बकरी एंड गन मींस बंदूक देन लैम लैम लैग लैग लिटल लिटल लॉग लॉग लक लक ओके तो लैम्प मींस जो दिया होता है या बल्ब है ना जिसे हम टेबल पे रखते हैं टेबल लैम्प देन लेग मीन्स पैर लिटल मीन्स छोटा लॉग मीन्स लकड़ी का जो बड़ा वाला बिग वाला कटा हुआ जो पार्ट होता है ट्रंक उसे बोला जाता है लॉग ओके okay? बड़ी सी मोटी सी लकड़ी का लकड़ी का कटा हुआ भाग कटा हुआ ट्रंक उसे लॉग बोला जाता है देन लग मीन्स किस्मत देन है हार्ड से हार्ड हिल हाउस हार्ट हार्ड मींस कठिन जैसे कोई भी वर्क जैसे हम करने जाते हैं तो कोई भी बहुत हार्ड होता है कठिन होता है या फिर कोई चीजें कैसी होती है कुछ चीजें एकदम मुलायम होती है सॉफ्ट होती है और कुछ कैसी होती है बहुत ही हार्ड होती है कठोर होती है हेल, हेल एडी हमारे जो पैर होते हैं और पैर के नीचे नीचे सबसे नीचे वाला जो पोर्शन में जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसे बोला जाता है हिल देन हाइड मीन्स छिपना हाउस मींस घर हट मींस झोपड़ी ओके okay, तो ये वर्ड्स थे देन आफ्टर राइट वन वर्ड दैट विद द सेम साउंड राइट वन वर्ड दैट विद द सेम साउंड जैसे अभी हमने जैसे वर्ड रीड किए ऐसे ही हमें सेम साउंड वर्ड राइट करने हैं ओके फॉर एग्जाम्पल है केक का कॉट सीए केक केक पता है आप सभी को जो हम बर्थडे में कट करते हैं एंड कॉट मीन्स होता है खटिया ओके डोर की जो बनी हुई खटिया होती है रोप से रस्सियों से या फिर जो बनाई जाती है उसे बोला जाता है कॉट तो अभी हमने यहाँ पर वर्ड्स राइट किए हैं डांस डांस ड्रीम ड्रीम मींस सपना डांस मीन्स तो आप सभी को पता है हैंड हाउस हैंड मींस घर देन जग जग जिससे हम पानी लेते हैं जोकर जोकर अब जोकर क्या होता है जो हमें हंसाता है राइट right. है माउस मंकी पैरोट पिकॉक लॉयन तो हमने राइट कर दिया लैम किट काइट रन ओके okay, तो बेटा हमने ये राइट कर लिया है इसमें जो वर्ड्स दिए हैं फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर जो दिया है उसी से सेम साउंड करता हुआ वर्ड हमें आगे राइट करना था उसी लेटर से लाइक दिस इसमें जो भी कलर से हमें लेटर राइट करना था जिस भी लेटर के वर्ड हमें राइट करने थे उसे पिंक कलर से दिया था जैसे इसमें देखिए डी को पिंक कलर से दिया है मीन्स हमें डी साउंड वाले वर्ड राइट करने थे जिसमें जे दिया है तो जे साउंड वाले तो हमने जोकर राइट किया पी दिया है तो पी साउंड में हमने पिकॉक राइट किया राइट ऐसे ही सभी में हमें वर्ड्स राइट करने थे तो फास्टली राइट कर लीजिए चलिए राइट फास्ट पेंसिल एरेजर ले, ले लिए है आप सभी ने ना ओके तो फास्ट राइट कर लीजिए इसे स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है बेटा आपको केयरफुली देखकर ही राइट करना है कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है ओके then after next question is look at the pictures and circle the names of the things that you can see in them आपको इस पिक्चर को केयरफुली देखना है देन आफ्टर इस पिक्चर में आप जो भी थिंग्स देख रहे हैं जो भी चीजें देख रहे हैं उनके नेम दिए हैं नीचे आपको उनके नेम में सर्कल करना है ओके okay? सपोज इस पिक्चर में हम देख रहे हैं सन तो अगर यहाँ सन का स्पेलिंग दिया होगा तो सन में सर्कल करेंगे काइट दिख रही है हमें तो काइट का स्पेलिंग दिया होगा तो काइट में करेंगे है ना इस टाइप से हमें फील करना है अब आप इसमें बताएंगे कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है हाउस हाउस दिख रहा है आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कहीं भी नो no. कहीं भी हमें हाउस नहीं दिख रहा है तो हम इस हाउस पे सर्कल नहीं करेंगे देन आफ्टर ट्री ट्री दिख रहे हैं आपको यस ये वन टू थ्री ट्री है तो ये ट्री में सर्कल कर देंगे सर्कल करिए फास्ट देन है रेनबो तो रेनबो दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में कहीं भी नो no. तो so, हम इस रेनबो को कलर सर्कल नहीं करेंगे देन काइट काइट दिख रही है यस yes. ये काइट है तो so, हम इस के आई टी काइट में सर्कल कर देंगे देन क्लाउड्स क्लाउड्स दिख रहे हैं यस दिस इज क्लाउड्स ये क्लाउड्स है बादल है देन अम्ब्रेला अम्ब्रेला तो इस पिक्चर में कहीं भी नहीं दिख रहा है अम्ब्रेला में सर्कल नहीं करेंगे देन है फ्लावर्स यस फ्लावर्स दिख रहे हैं ये वन टू थ्री फ्लावर्स दिए हैं तो इस फ्लावर्स में भी सर्कल करेंगे देन डॉग डॉग दिख रहा है नो गर्ल यस दिस इज अ गर्ल एक गर्ल भी दिख रही है तो हमें यहाँ सर्कल नहीं करना है सर्कल यहाँ करना है ओके देन सन सन भी दिख रहा है ये सन है है देन बोट बोट नहीं दिख रही एंड बॉय यस बॉय भी दिख रहा है तो इस टाइप से आप क्या कर लीजिए सर्कल कर लीजिए इसमें इसमें हाउस दिख रहा है क्या नो no, तो इसमें सर्कल नहीं करेंगे ट्री दिख रहे हैं यस yes, वन टू थ्री ट्री है तो ट्री में सर्कल करना है रेनबो नो तो रेनबो में सर्कल नहीं करेंगे काइट यस ये काइट दिख रही है हमें तो काइट में सर्कल कर देंगे देन क्लाउड्स क्लाउड्स मीन्स होता है बादल तो बादल दिख रहे हैं यहाँ यस ये जो दिए ये क्या है क्लाउड्स है तो क्लाउड्स में भी सर्कल कर लिया हमने देन एम्ब्रेला दिख रहा है तो no. अमरेला so, में सर्कल नहीं किया हमने देन फ्लावर्स फ्लावर्स दिख रहे हैं ये वन टू थ्री तो हमने फ्लावर्स में सर्कल कर दिया देन डॉग डॉग कहीं भी नहीं दिख रहा है तो डॉग में सर्कल नहीं करना है देन गर्ल यस ये गर्ल है तो हमने इसमें सर्कल कर लिया देन सन सन भी है तो सन में भी सर्कल कर लिया देन बोट यहाँ कहीं भी इस पिक्चर में हमें बोट दिखाई नहीं दे रही है तो हमने बोट में सर्कल नहीं किया है एंड द लास्ट बॉय yes, बॉय यस ये दिख रहा है हमें तो हमने लास्ट में बॉय में भी सर्कल कर दिया है ओके okay, तो इस टाइप से आपको पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी फिलअप करना है। ओके okay, बेटा, आफ्टर है नेक्स्ट इसमें भी हमें पिक्चर देख के जो थिंग्स दी है उनमें सर्कल करना है तो मैं रीड कर रही हूं पुडल यहां कहीं आपको पुडल दिखाई दे रहे यस yes, तो ये क्या है पुडल पडल है पडल में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और जिनमें बारिश आने पर पानी इकट्ठा हो जाता है पानी जमा हो जाता है उन्हें बोला जाता है पडल्स ओके तो ये पडल है तो इसमें सर्कल करेंगे देन ट्री ट्री यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे देन सन दिखाई दे रहा है यस देखिए कॉर्नर में एकदम सन दिख रहा है राइट तो इसमें भी सर्कल कर देंगे देन एम्बरेला ये दिस इज एमरेला अम्बरेला में भी सर्कल कर yes, करना है देन रेनबो रेनबो दिखाई दे रहा है टेलमी बेटा फास्ट देख कर बताइए तो इस पिक्चर में रेनबो है यस वेरी गुड दिस इज रेनबो ये रेनबो है तो रेनबो में भी सर्कल कर देंगे देन बॉय इस पिक्चर में बॉय दिख रहे यस yes, ये टू बॉय है तो हमने बॉय में भी सर्कल कर दिया देन सॉरी ये बेटा ड्रॉप्स है रेनबो नहीं है ये क्या है रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदे है ना तो यस yes, ये हमें दिख रही है ड्रॉप्स बारिश की बूंदे ये ड्रॉप्स की स्पेलिंग है ओके okay? तो ये भी दिख रही है हमें तो इसमें भी सर्कल कर लिया हमने देन रेनबो यस ये रेनबो दिखाई दे रहा है तो रेनबो में भी सर्कल कर लेंगे देन बोट बोट दिख रही है बोट नो यहां कहीं भी बोट दिखाई नहीं दे रही है राइट आप देखिए तो केयरफुली बोट मीन्स जो नाव होती है अब वो पेपर बोट भी हो सकती है नो no, यहाँ पेपर बोट नई दिखाई दे रही है देन क्लाउड्स दिख रहे है यस yes, ये क्लाउड्स है तो क्लाउड्स में भी सर्कल कर देंगे देन गर्ल यस ये गर्ल है देन फ्रॉक नो फ्रॉक दिखाई नहीं दे रहे है एंड देन लास्ट है बॉल बॉल दिख रही है क्या नो, no. राइट right? तो टाइप से बेटा आपको केयरफुली इन्हें फिल अप कर देना है ओके? Okay? केयरफुली इन ऑल वर्ड्स को आप सर्कल कर लेंगे पिक्चर में जो वर्ड्स दिए हैं इन्हें देख के क्या करना था सर्कल करना था तो आप इसे केयरफुली सर्कल कर देंगे ओके एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड टुडे इज योर होमवर्क दिस यहाँ तक आपको इस पिक्चर में जो भी थिंग्स दी है उन्हें देखकर सर्कल करना है देन पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी में आपको इन वर्ड्स को लाउडली केयरफुली रीड करना है देन इनसे रिलेटेड जो ये वर्ड्स दिए है इन वर्ड्स को फील करना है देन इस पिक्चर में जो थिंग्स दिख रही है उन्हें सर्कल करना है ओके एंड नेक्स्ट था लुक एट द सैंपल पिक्चर एंड कलर द रेनबो आपको इस सैम्पल पिक्चर को देख के सेम एज इट इज इसे भी कलर करना है ओके दैट इज ऑल फॉर टूडे एंड आप सभी को समझ आया ना आज के क्लास में क्या क्या करना है इसे कलर करना है इस पिक्चर में जो भी थिंग्स आपको दिख रही है उसे सर्कल करना है देन ये सेम साउंड वर्ड राइट करने हैं ओके दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू